नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं किरण जुनेजा और आपके लिए लाई हूं दूरदर्शन का सबसे पॉपुलर शो कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को कामयाबी पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ी ही कोशिशों के बाद कामयाबी मिल जाती है। हमारे आज के मेहमान उन्हीं में से एक हैं। ये उनकी कोशिशों का असर है कि आज 50 साल के बाद भी वो बॉलीवुड का अटूट हिस्सा है। साथियों, हमारे आज के मेहमान का जन्म 13 मई 1945 को गुजरात के सवरकुंडला में हुआ। इनके दादाजी दीवान थे और पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। परिवार में किसी को भी फिल्मों या संगीत का शौक नहीं था, पर इन्हें गाने का शौक बचपन से ही था। इसलिए स्कूल कॉलेज में कई मुकाबलों में हिस्सा लेते और अपनी प्रतिभा को निखारते रहते। अपने जीजा जी के कहने पर ये मुंबई आ गए, जिन्होंने इन्हें कल्याण जी आनंद जी से मिलवा दिया। उनके साथ रहकर इन्होंने रिकॉर्डिंग और गायकी के कई हुनर सीखे। ये हमेशा कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के आगे पीछे लगे रहते, जिनसे ये गाने के गुण और रिकॉर्डिंग की तकनीक सीख सके और शायद कभी उनके लिए गा भी सके। एक दिन मुकेश जी के उपलब्ध न होने के कारण उन्हें उनके एक गीत को डब करने का मौका मिला। जब मुकेश जी वो गीत डब करने आए और उन्होंने वो गाना सुना, तो उन्होंने कल्याण जी आनंद जी भाई से कहा कि भाई, ये गीत तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड हुआ है, इसको दोबारा डब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने भी गाया है बहुत अच्छा गाया है, बस इसको ऐसे ही रहने दो। और इस तरह ये गीत फिल्म में इनकी ही आवाज में रख दिया गया। बस इस गीत के आते ही इनके सपने पूरे होने शुरू हो गए और धीरे धीरे ये हिंदी फिल्मों के जाने माने गायक बन गए। आज ये हिंदी, गुजराती और भारत की अन्य कई भाषाओं में गीत गा चुके हैं। गुजराती समाज में ये गजल सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं और गुजराती में अब तक 34 से ज्यादा सुपरहिट गजल एल्बम्स रिलीज कर चुके हैं। इन्हें कई बड़े अवार्ड्स और सम्मानों से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों, हमारे आज के मेहमान हैं बहुत ही सोबर, मधुर और मेलोडियस आवाज के मालिक मनहर उदास। ये थे मशहूर गायक मनहर उदास। आइए अब उन्हें मिलते हैं। आइए मनहर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए। नमस्कार मनहर जी, आपके दादा दीवान थे और पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो आपको गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच किरण जी, मुझे बेहद खुशी है आज, और सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलने की और दूरदर्शन पे आज ये मेरा थोड़ा सा मुझे मौका मिला सबसे मिलने का, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे दादा बहुत बड़े अफसर थे, मेरे पिता भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। हमारी बचपन से एक, जैसे आप सोचें कि एक नेचुरल म्यूज़िक का कोई एक जो शौक होता है, एक म्यूज़िक की म्यूज़िक हॉन्ट करता है हमको, ऐसे मुझे हुआ था बहुत जब मैं छोटा था, मैं भी 4-5 साल का, तब से। तो हमारे परिवार में पीछे कोई जनरेशन में कोई संगीत या ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप तीन ब्रदर्स और तीनों ही संगीत में हैं इस वक्त। बस यही नेचुरल मुझे लगता है कि ये, आई एम ए वेरी स्टॉन्च बिलीवर इन द पावर गॉड, और मुझे लगता है कि उसी ने हमें ये नेमत दी। ऐसा लगता है आपको कि आपकी वजह से आपके दोनों भाई म्यूजिक में आए, आपको देख के आपसे इंस्पायर हुए? देखिए, मैं इतना बड़ा तो क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि वो भी बचपन से गाते थे। पंकज और निर्मल दोनों बचपन से गाते थे मेरे साथ ही, मगर शुरुआत
जो कहिए प्रोफेशनल सिंगिंग की, वो मैंने पहले की। मुझे मालूम है कि आप सहगल साहब के बहुत दीवाने थे और उनके गाने गाते थे जी। तो सुनते कहाँ थे आप सहगल साहब का गाना? किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब मैं 4-5 साल का था, मेरा जन्म सौराष्ट्र के एक छोटे से शहर में हुआ था, सावर कुंडला जी। तो सावर और कुंडला दो ट्विन सिटी थे, उसके बीच में एक रिवर थी, वो रोज में क्रॉस करके स्कूल जाता था। और उस उम्र में जब मैं वहाँ से गुजरता था तो सारी दुकानों में वो पुराने रेडियो रखे होते थे, बुश और मर्फी के, और उसमें इनवेरिएबली जब भी मैं वहाँ से गुजरता था तो सहगल साहब के गाने सुनता था। और जितने भी सहगल साहब के गाने सुबह में सुनता था वो मुझे पता नहीं बहुत हॉन्ट करते थे। और उसमें सबसे ज्यादा जो गाना हॉन्ट करता था वो जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। तो दो 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 लाइनें सुना दीजिए हमें। हाँ, मगर उससे पहले मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि मेरी उम्र ये थी, मैं 4 साल का था। और बड़ा किस्सा हुआ क्योंकि मैं जब भी सबको बोलता था तो मैं ये समझता था कि जब दिल ही मतलब शहर टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे, क्योंकि उस उम्र में दिल से कोई मतलब नहीं होता ना, तो सब लोग बहुत हंसते थे। तो मैंने मेरे पिताजी को बोला था कि मुझे इसका एक रिकॉर्ड ला के दीजिए। तो पिताजी ने बोला कि भाई रिकॉर्ड तो मैं लाऊंगा, मगर तुम कहाँ सुनोगे, हमारे पास प्लेयर तो है नहीं। तो उस ज़माने में वो चाबी वाला प्लेयर आता था, वो रिकॉर्ड प्लेयर हमारे नीचे जहाँ हम ऊपर रहते थे वहाँ नीचे लोगों के पास था। तो हमने रिकॉर्ड लिया, दोपहर को जब सारे बड़े लोग बाहर चले जाते थे तो हम छोटे बच्चे 5-6 मिल के ये गाना सुना करते थे। अच्छा। तो उस वक्त से एक म्यूजिक ऐसा लगा कि कोई, और सहगल साहब खैर लाजवाब लेजेंड सिंगर जी। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। तो ये बताइए कि फिर आपने बकायदा ट्रेनिंग ली सिंगिंग की या खुद ही से? असल में मेरा ऐसा हुआ कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे ही वॉज वेरी कीन कि हमारे फैमिली में एवरीवन शुड बी अ ग्रेजुएट, उससे कम एजुकेशन नहीं चलेगा। एंड दे वर वेरी कीन कि हम इधर उधर की कोई डाइवर्ट हमारी एक्टिविटीज ना करें और पढ़ाई में ध्यान रखें। सो टिल द टाइम आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे म्यूजिक का शौक रहा। हर जगह मैंने पार्टिसिपेट भी किया, कॉलेज में, स्कूल में, एवरीवेयर आई वन द प्राइजेज ऑल्सो। आई रिप्रेजेंटेड कॉलेजेस इन द यूथ फेस्टिवल्स ऑल्सो एज अ सिंगर। बट उस जमाने में कभी प्रोफेशनल सिंगिंग का ख्याल नहीं आया और हमने ना कोई उस वक्त ट्रेनिंग भी ली, क्योंकि हमें ऐसा कोई गोल नहीं था कि हमको कुछ बनना है। तो इसलिए इट वॉज ऑल नेचुरल लाइक। बट आफ्टर माई फर्स्ट सॉन्ग इन द फिल्म आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक ताज अहमद खान साहब से, एक फयाज अहमद खान साहब थे, फिर एक लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले थे, उन सब से मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया। नॉट ओनली दैट बट बीइंग अ गुजराती, हिंदी फिल्म में गाना है तो तलफ्फुज सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने एक हैदराबाद के मौलवी साहब से, उनसे मैंने उर्दू भी सीखा। जहाँ तक मैंने सुना है आपने ये शिक्षा, आपका पहला गाना जब रिकॉर्ड हो चुका था उसके बाद ली। yes, सही है। यस yes. तो जब आप आए मतलब आप रॉ थे, आपके पास बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं थी। बिल्कुल कोई ट्रेनिंग। तो ये सफर कैसे शुरू हुआ आपका बॉम्बे आने का? और मैंने सुना आपके जो ब्रदर इन लॉ थे मनु भाई, उन्होंने आपकी बहुत सहायता की और सपोर्ट किया आपको। ऐसा हुआ कि आफ्टर आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग, मैं राजकोट में एक कंपनी में जॉब कर रहा था, एंड मनु भाई मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत बड़े लोक साहित्यकार थे, फोकलोरिस्ट थे, एंड ही वॉज मेकिंग अ गुजराती फिल्म मुंबई में। अच्छा। और उस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी साहब का म्यूजिक था। तो उन्होंने बचपन से मुझे सुना था एंड प्रोबेबली ही हैड दैट कि मैं, मुझ में कोई टैलेंट है।
तो ही कॉल्ड मी, इनवाइटेड मी टू मुंबई एंड ही सेड कि आप आइए यहाँ पे, मैं आपको कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई से मिलाऊंगा और देखिए अगर आपको कुछ ऐसा मौका मिले कोई. एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया. मैं मुंबई आ गया बिना कुछ सोचे एंड उन्होंने मुझे कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई से मिलाया. उनके म्यूज़िक रूम पे मैं नियमित रूप से बैठा करता था. हर वक्त जो वो म्यूज़िक बनाते थे, जो नए गाने बनाते थे, कंपोज करते थे, मैं उनको गा के सुनाता था. तो एक दिन ऐसा मौका आया कि एक गाना था फिल्म विश्वास का, आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया. वो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी आवाज़ साउंड कैसे होती है माइक में, ये देखना चाहते हैं. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे, हमारा बहुत फेमस स्टूडियो था यहाँ पे, उसमें बुलाया गया. मैं वहाँ पे गया, गाना मुझे बाय हार्ट था क्योंकि मैं रोज़ उनके गाने याद कर लेता था. एंड सडनली आई सॉ सुमन कल्याणपुर जी भी वहाँ पे मौजूद हैं. तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि आवाज़ मेरी आपको टेस्ट करनी है, कैसी लग रही है. तो सुमन जी कैसे यहाँ पे, देन आई केम टू नो कि ये गाना आपको उनके साथ ड्यूएट गाना है. अच्छा. खैर गाना हमने गा लिया. दे वर वेरी वेरी हैप्पी, दे वर वेरी एक्साइटेड. और उसके बाद मुझे किरण जी कोई 2-3 महीने के बाद अचानक से आनंद जी भाई ने ला के रिकॉर्ड दिया कि आपका रिकॉर्ड आ गया. मैंने कहा मेरा कौन सा रिकॉर्ड? बोले जो तुमने गाया था गाना वो अभी फाइनली फिल्म में रखा गया है तुम्हारी आवाज़ में. उसके बाद मुझे बताया गया कि ये फिल्म थी विश्वास, आपसे हमको बिछड़े हुए ये गाना. असल में सारी फिल्म में गाने मुकेश जी ने गाए थे. तो उन्होंने कहा कि हमने गाना रिकॉर्ड करने के लिए फॉर द फाइनल ट्रैक हमने मुकेश जी से बात की, क्योंकि ये गाना हमने अर्जेंट रिकॉर्ड किया था क्योंकि पूरी यूनिट देहरादून में वेट कर रही थी इस गाने के लिए शूटिंग की, और मुकेश जी अवेलेबल नहीं थे. तो हमने सोचा कि हमारे पास ये आवाज़ है, ये रिकॉर्ड करके शूट कर लेते हैं और फिर बाद में आवाज़ बदल मुकेश जी की आवाज़ में डब कर लेंगे. तो मुझे बताया गया कि मुकेश जी ने कहा कि गाना मैं पहले सुनना चाहूँगा. एंड व्हेन वी हर्ड द सॉन्ग, मुकेश जी द ग्रेट लेजेंड, उन्होंने बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया. उन्होंने कहा कि भाई जिसने भी गाया है ये बिल्कुल अच्छा गाया है, अभी आप इसको क्यों करना चाहते हैं. सो दैट्स हाउ मेरी इस प्लेबैक सिंगिंग में एंट्री हुई विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेट मुकेश जी एंड कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई एंड ऑफ कोर्स मनु भाई गढ़वी. तो ये सेक्शन आपके, ये गाना गाए बगैर तो कंप्लीट नहीं हो सकता. ज़रूर, ये गाना गुलशन बावरा जी ने लिखा था और केवल कश्यप साहब की ये फिल्म थी. आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना बीत गया. मनहर साहब की आवाज़ का हम मज़ा लेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक. आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, कहीं जाइएगा नहीं. कोशिश से कामयाबी तक, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आज बात हो रही है मेलोडियस मनहर उदास से. मनहर जी, अभिमान में आपका एक बहुत अच्छा गाना आया था जी, लूटे कोई मन मन का नक. किरण जी, वो जमाने में ऐसा था कि हमने एक अगर गाना गाया तो सब जगह आपको बुलाएंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा. ऐसा नहीं था अनफॉर्चुनेटली. मेरा ये गाना विश्वास का रोज़ रेडियो सिलोन से बजता था, मगर इन स्पाइट ऑफ दैट रोज़ हर म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाना पड़ता था, उनको गाना सुनाओ, ऑडिशन दो. तो ये गाने में ऐसा हुआ था कि मजरू सुल्तानपुरी साहब हमारे बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने मुझे सुना था और फिर मैंने कुछ प्रोग्राम्स हमारे लता जी के साथ किए थे.
उस ज़माने में, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उनका। मजरू साहब ने बर्मन साहब से कहा कि एक नया लड़का है, आप थोड़ा सा उसको ट्राई कीजिए। इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने ये उनको कहना पसंद किया। तो बर्मन साहब ने उनको बोला था, मुझे आज भी वो किस्सा याद है, कि अभिमान की रिकॉर्डिंग चल रही थी, पिया बिना लता जी गा रही थी, और उस गाने के समय मुझे मजरू साहब ने बोला था कि तुम आके बर्मन साहब से मिल लो। तो मैं मिलने गया था, तो गाने की रिकॉर्डिंग जब ख़त्म हुई तो बर्मन साहब से मजरू साहब ने मुझे मिलाया और कहा कि ये नया लड़का है, ज़रा उससे कुछ कोई गाना गवाइए आप। तो बर्मन साहब ने उनको साफ कह दिया कि भाई अभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो खैर मुझे लगा कि शायद ये मौका निकल गया। 3-4 दिन के बाद मजरू साहब ने मुझे फ़ोन किया कि बर्मन साहब ने तुमको सुनने की इजाज़त दी है, कि वो सुनेंगे तुमको, तो तुम उनके घर चले जाना और उनको कुछ सुनाना। अब किरण जी, सुनाना मतलब कि बर्मन साहब को मैं क्या सुना सकता हूँ? आप सोचिए, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, अब उनको अगर मैं कोई फिल्म का गाना सुनाऊँ, कोई ऐसा पॉपुलर गाना सुनाऊँ, तो कंपैरिजन हो जाएगी, वो मैं जीत नहीं सकता हूँ जी। क्योंकि जो हमारे लेजेंड्स सिंगरों ने गाए हैं गाने जी, उसके बाद मेरा तो कोई अनुभव ही नहीं था। बहुत सोचा मैंने, फॉर्चुनेटली गॉड सेव्ड मी, मैंने एक नेपाली फोक गाना सुना था और मुझे बहुत पसंद था और मैंने सीख लिया था। तो जब सुबह मैं उनके घर गया और वो गाना मैं उनको सुनाया मैंने, तो तुरंत उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट रिकॉर्ड करूँगा। तो उन्होंने छोटा सा टेप रिकॉर्डर आता था उस ज़माने में, वो ऑन करके वो गाना रिकॉर्ड कर लिया। एंड आई थिंक 3-4 दिन के बाद उन्होंने मजरू साहब को बोला कि अभिमान का एक गाना बाकी है, मैं उससे गवाऊँगा। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट दिस सॉन्ग। और उतना ही नहीं, वो गाना मैंने लता जी के साथ गाया, वो सबसे बड़ा जिंदगी का एक अनुभव था। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, कौन है वो अपनों में कभी, ऐसा कहीं होता है ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। बहुत खूबसूरत। रफ़ी साहब के साथ आपकी रिकॉर्डिंग का एक किस्सा है, उसके बारे में कुछ बताइए। ओहो, वेरी इमोशनल वन जी। किरण जी, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। हमारे जो लेजेंडरी गायक थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो इतने अच्छे थे। और हमारे जो रफ़ी साहब हैं या मुकेश जी हैं या किशोरदा हैं, जो भी सिंगर हमारे महेंद्र कपूर जी, सबके साथ मैंने गाया एंड दे वर ऑल सो एनकरेजिंग। और ये किस्सा तो बहुत ख़ास है इसलिए मेरी ज़िंदगी का, कि जब मैंने ये मेरा पहला गाना नहीं गाया था, उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कल्याण जी भाई के वहाँ म्यूज़िक रूम पर बैठता था और जो भी गाने वो कंपोज करते थे वो गा के उनको सुनाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को कल्याण जी भाई ने बोला कि मनोहर भाई, एक गाना जो आप अभी हम रिहर्सल कर रहे हैं, आपको याद है तो कल हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हिरेन खेड़ा साहब थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, जिन्होंने जब जब फूल खिले बनाई थी, बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। तो उन्होंने तुरंत राजा साहब करके एक फिल्म बनाई, तो उस फिल्म में ये गाना रिकॉर्ड होना था। तो कल्याण जी भाई ने बोला कि कल रफ़ी साहब ये गा रहे हैं, तो आपका मन हो तो आप पीछे कोरस में साथ में गाइए। उस ज़माने में सब साथ में रिकॉर्ड होता था, मेन सिंगर माइक पे, कोरस पीछे खड़ा रहता जी। मैंने कहा ओहो, जिंदगी का ये इतना बड़ा अवसर है कि इतने महान रफ़ी साहब के साथ पीछे खड़े होके गाना, वो भी एक जिंदगी की, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो खैर मैंने कहा कि मैं ज़रूर गाऊंगा। तो पहले ये प्रोसेस होता था कि सिंगर जो मेन है वो आते थे, रिहर्सल होती थी उनकी, फिर हम लोग माइक पे रिहर्सल करते थे बैलेंसिंग करने के लिए। तो माइक पे रिहर्सल हुई,
मैं पीछे खड़ा था। रिहर्सल होने के बाद जब बीच में ब्रेक हुआ, भाई एक थोड़ा सा ब्रेक होता था, चाय पीते थे, उसके बाद फिर फाइनल रिकॉर्डिंग होती थी। ब्रेक में कल्याण जी भाई ने आके मुझे कहा कि मनोहर भाई आप ज़रा बैठ जाइएगा, तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। देखिए इंसान क्या सोचता, क्या सोचता है, मगर मेरी सोच गलत थी। कल्याण जी भाई ने कहा कि अभी आप बैठ जाइए, बैठ गया, गाना रिकॉर्ड हो गया, रफ़ी साहब चले गए। और उसके बाद जब रफ़ी साहब चले गए तो कल्याण जी भाई ने आके, आनंद जी भाई ने और कल्याण जी भाई ने मुझे मुबारकबाद दिया और कहा कि भाई कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगे रफ़ी साहब ने पीछे तुम गा रहे थे वो गाना सुना और रवि साहब ने बोला कि इस लड़के को ऐसे मत गवाइए, इसको इस गाने का एक अंतरा गवाइए पूरा, क्योंकि ये इतना अच्छा गा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि उससे उसकी आवाज़ में एक अंतरा रिकॉर्ड कीजिए आप। इतना बड़ा सर्टिफिकेट ऐसे महान सिंगर ने दिया। और उतना ही नहीं, उन लोगों ने माना, उन्होंने उसी वक्त उस गाने का एक अंतरा मुझसे गवाया और फिल्म में भी रखा गया। तो आपको तो मतलब कैसे घबराहट हुई होगी ये सोचकर कि मुझे सोच निकाल दिया थोड़ी देर के लिए, तो मैं डूब गया। मैंने कहा गए काम से। और इतने बड़े सर्टिफिकेट मुकेश जी रवि साहब से मिले कि मैं बता नहीं सकता। हमने सुना है कि एक बार किशोर दा ने कहा था कि आप सबसे बड़े गायक हैं। यू नो किशोर दा बहुत ही मजाक करते थे। एक गाना था मेरा कर्मा में, मैं किशोरदा और महेंद्र कपूर जी, तो गाना बहुत ही मशहूर हुआ। उस गाने में जब हमने रिहर्सल की तो गाना मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि फिल्म में जैकी श्रॉफ शुरू करते हैं जी, तो उनकी प्लेबैक के लिए मुझे, तो बाद में किशोरदा गाते हैं, बाद में महेंद्र कपूर जी गाते हैं। तो हम लोग बैठे थे, रिहर्सल हो गई, लक्ष्मी जी अंदर गए, एंड सडनली किशोरदा जो मजाक करते थे उन्होंने महेंद्र जी को बोला कि देख महेंद्र ऐसा है कि अब हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, मगर ये देखो आज अभी नया लड़का आया है, ये हमसे बड़ा सिंगर बन गया। तो मैं बहुत डर गया, मैंने कहा अब ये किशोरदा क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कहा किशोरदा मैं आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जैसा गाना मैं 7 जन्म में नहीं गा सकता हूँ। तो कहने लगे नहीं भाई देखो गाना कौन शुरू कर रहा है। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। बोले फिर हो गए ना बड़े तुम, हम तो पीछे गाएंगे बाद में। तो इतने महान थे वो। वो गाना तो हमें जरूर सुनाइए फिर। अच्छी गाना कुछ ऐसा था, मुझे पूरा याद नहीं है, मगर वो तीन जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म में कर्मा में जी, वो नसीरुद्दीन जी और अनिल कपूर जी और जैकी श्रॉफ जी, तो उसमें गाना कुछ ऐसा था कि तो मुँह से लगा के बोतल पीने दे दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू, मुँह से लगा के बोतल पीने दे दारू, अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। बहुत खूब मनोहर जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा मत, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं मनोहर उदास जी से। एक बात बताइए कि सुभाष घई के साथ आपने बहुत सारे गाने गाए, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? असल में हीरो जब बना रहे थे सुभाष जी, तो उस वक्त वो जैकी श्रॉफ के लिए नए सिंगर ढूंढ रहे थे, की खोज में थे, और फॉर्चुनेटली लक्ष्मी जी के माइंड में मेरी आवाज़ थी, तो मुझे उन्होंने कॉल किया और बुला लिया कि भाई ऐसे ऐसे हैं, हमने कुछ बहुत सारे नए सिंगरों को सोचा था, मगर मैं उस वक्त कंपैरेटिवली न्यू था, तो इसलिए हीरो से मेरा वो सफ़र शुरू हुआ। पहला गाना मुहूर्त का मैंने गाया और उसके बाद सिलसिला जो शुरू हुआ, तो लाइन में जैकी श्रॉफ की जितनी भी फिल्में आई उसमें मैंने उनको प्लेबैक किया, और नॉट ओनली जैकी श्रॉफ की बट विवेक मुशरान भी आए सौदागर में, तो उनके लिए भी मैंने प्लेबैक किया। तो ऐसे सिलसिला चला खलनायक तक।
तो इन गानों में से जो भी आपका पसंदीदा गाना हो एक हमें जरूर। सभी गाने बहुत लाजवाब थे। आई नो, ये एक कहना बहुत मुश्किल, एक माँ या बाप के लिए कहना कि ये मेरा बच्चा प्यारा है बहुत मुश्किल है, मगर मेरे लिए तो एक एक गाना जो है वेरी क्लोज टू माय हार्ट जी। फिर भी कोई एक गाना कोई भी सुना दीजिए उसमें से, मतलब पहला जो मूरत का गाना हीरो का हुआ, तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। ओ, बहुत खूब बहुत खूब। ये गाने बहुत चले थे उस जमाने में। क्या ये सच है कि फिरोज खान ने आपकी आवाज़ लेने के लिए मना कर दिया था? नहीं, ऐसा हुआ था कि वो कुर्बानी बना रहे थे और उस जमाने में थोड़ा स्टार सिस्टम भी था जी, हर एक स्टार को अपनी एक प्लेबैक वॉइस जी ऑलमोस्ट फिक्स, जैसे कि जैकी का सारे गाने आपने गाए फिक्स थे। तो कुर्बानी का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तो कल्याण जी भाई आनंद जी भाई वेरी कीन ये गाना मैं गाऊं जी, मगर फिरोज साहब को थोड़ा लगा था कि भाई मैंने फिल्म में रफ़ी साहब वगैरह का प्लेबैक लिया है और अगर ये गाना मैं कोई इन्हें टोटली मतलब नए सिंगर से गवाऊंगा तो शायद विनोद जी को ऐसा लगे कि भाई नहीं, मुझे कोई अच्छी मुझे भी कोई नॉन सिंगर का गाना चाहिए। हाँ। तो खैर उस गाने की रिकॉर्डिंग फिक्स हुई, कल्याण जी भाई ने बोला था फिरोज साहब को कि आप ट्राई करके देखिए, नहीं पसंद आया तो चेंज बात कर नहीं, जैसे आप चाहेंगे। गाने की रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग में मुझे कल्याण जी भाई ने बोला था कि आप ध्यान दे के गाइएगा। तो जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मतलब रिहर्सल हुई स्टूडियो में विथ म्यूजिशियंस, तो एक दो लाइनें मैंने गाई, एक अंतरा गाया एंड सडनली फिर कल्याण जी भाई ने बोला कि रुकिए, और फिरोज साहब अंदर आए और आके उन्होंने कहा कि तुम जो गा रहे हो मैंने सोचा नहीं था, मगर ये गाना तुम विनोद के लिए गा रहे हो, मगर अगली फिल्म में मैं तुम्हारी प्लेबैक लूँगा। और उसी हिसाब से उन्होंने जाबाज में मेरी आवाज़ अपने लिए, वो विनोद खन्ना वाला गाना हमें सुना। हाँ, बहुत लाजवाब गाना था वो, इंदिवर साहब ने लिखा था इसको। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बहुत खूब बहुत लाजवाब गाना था। जांबाज का गाना भी आपका बहुत लाजवाब जी, बहुत अच्छा चला वो गाना भी। दो लाइनें जरूर सुना दीजिए बस। क्योंकि इस गाने के बारे में खास बात ये बताना चाहूंगा जी, ये गाना हमने लंदन में रिकॉर्ड किया था जी, ओनली विथ 5 म्यूजिशियंस, और इस गाने को हमने रिकॉर्ड किया था एबी रोड स्टूडियो में जहाँ पे बीटल्स की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो पूरा यूनिट वहाँ पे हमने जाके रिकॉर्ड किया था। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। बहुत खूबसूरत, आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच किरण जी, थैंक यू। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि आप गुजराती फिल्मों के सबसे बड़े सिंगर हैं, और सिर्फ गुजराती फिल्मों में गाना नहीं गाते, आप गुजराती गज़लें भी गाते हैं, जो कि लोगों को पता ही नहीं कि गज़लें गुजराती में होती भी हैं जी जी। तो इसके बारे में बताइए कि गुजराती गज़लें आपने कैसे गाई और फिल्मों में आपको कैसे इंस्पिरेशन हुआ किरण जी? और जी, मैंने गाना शुरू किया, रिकॉर्डिंग भी शुरू की, और आज 34 एल्बम हो गए हैं ओनली गुजराती गज़ल्स के जी, और बहुत लोगों में पॉपुलर है, लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि गुजराती में बेसिकली हमारे बहुत मान शायर हुए जिन्होंने गुजराती गज़लें लिखी, बहुत सुंदर।
पहली बार आपने जो गुजराती फिल्म में गाना गाया वो किस्सा सुने, कैसे हुआ वो? गुजराती फिल्म में तो किरण जी गाने काफी गाए मैंने, पर मैं पहला गाना कहना चाहूंगा कि एक गाना मैंने जो गाया था पहला गाना जी गुजराती फिल्म में वो भी एक गजल थी। अच्छा। और उस गाने के लिए मुझे कोई जान पहचान के बिना गुजरात स्टेट का मुझे बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। ओके। तो तब से मेरी ये गुजराती की यात्रा शुरू हुई। जी जी, दो लाइनें। हाँ, एक बहुत फेमस गजल है गुजराती की जो लोग बहुत पसंद करते हैं। नयन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे तमे छो ए न करता पण वधारे तमने जोया छे। तो आपको तो गुजराती गजलों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो इन गुजराती गजलों से इंट्रोड्यूस आपको किसने करा? मेरे एक मित्र थे जो मेरे साथ फैक्ट्री में काम करते थे जी, वो बहुत बड़े शायर थे, कैलास पंडित। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि गुजराती में भी बहुत लाजवाब गजलें लिखी गई हैं। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। खुद ही कंपोज करते हैं आप या कोई और आपके लिए लिखता है? मैं ही करता हूं। आप ही करते हैं? वो तो आप कंपोजर भी हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी कंपोज की हुई कोई गुजराती गजल हमें सुना दीजिए। यही मैंने जो आपको सुनाई, ये भी आपकी कंपोज की थी। और एक अच्छी बात आपकी लेटेस्ट बताना चाहूंगा जी कि ये 6 मई को मेरा एक शो था अहमदाबाद में जी, उसमें मुझे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये शो का नाम है कि यूएसए की कैलिफोर्निया यूएसए में एक वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है जी, जो हर एक्टिविटीज़ में वहाँ आपका नाम दर्ज होता है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा वही अवार्ड दिया है फॉर सिंगिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ गुजराती गजल्स। ओ अच्छा। तो यूएसए कैलिफोर्निया की तरफ से ये अवार्ड मिला है। जी जी। आपकी फैमिली और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और गजल आपको सुनानी पड़ेगी। गुजराती जी। ओ, गुजराती में एक नज्म बहुत पॉपुलर मेरी हुई जी, और एक गीत मेरा बल्कि बहुत पॉपुलर हुआ जो आज लोगों ने बहुत पसंद किया, जो हम आज बेटी के बारे में बोलते हैं। तो बेटी के बारे में एक मैंने लोरी रिकॉर्ड की थी जी। एक पिता अगर बेटी को सुलाए तो उसकी लोरी कैसे वो गाएगा, क्या गाएगा? दिकरी मारी लाडक भाई लक्ष्मी नो अवतार ए सुवे तो रात पड़े ने जागे तो सवार दिकरी मारी लाडक भाई। आजकल पॉप का जमाना है, मॉडर्न म्यूजिक चलता है, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स हैं, लेकिन तो भी गुजराती गजलें बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं। yes. ऐसा कैसे? बस आई थिंक शब्दों में एक ताकत है और दूसरा कि एक अलग टाइप का सिंगिंग जो है, अलग टाइप का गीत, अलग टाइप की गजल लोगों को पसंद आती है, जिसमें मीनिंग है, जिसमें बहुत सारी शायरी है, तो लोग बेहद पसंद करते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ यहाँ नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं गुजराती गजल्स के कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, न्यूजीलैंड गया हूँ, अब तुरंत मैं यहाँ से जा रहा हूँ यूएसए और कनाडा का टूर है गुजराती गजल्स का। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करने, तो आपकी पहचान आपकी बीवी से कैसे हुई और शादी कैसे हुई? हम लोग बहुत सालों से जानते थे, जब छोटे थे तब से, और हमारे परिवार में ही है। तो ऐसा हुआ कि एक बार मैं उनके घर गया था भावनगर, तो उनके पिताजी ने मुझे कहा कि भई आपकी मैरिजेबल एज है तो हम चाहते हैं कि एक लड़की है यहाँ पे, आप देखना चाहेंगे? तो ऐसे ही मैंने कहा ठीक है। तो हम देखने गए तो मुझे कुछ बात बनी नहीं मन में। जब हम घर आए तो मेरे ध्यान में वो लड़की तो नहीं थी, मगर मेरी पत्नी जो है वो मैंने उनके पिताजी को तो मैं नहीं कह पाया, मगर उनके कजिन ब्रदर वगैरह थे
उनको मैंने कहा कि भाई मुझे ये तो कुछ बात बनी नहीं, बट मुझे ये लड़की ज़्यादा पसंद है, अगर वो तैयार है तो मुझे शादी करनी है। फादर ने तुरंत हाँ कर दिया, तो ऐसे हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद मुझे, मेरी दो बेटियाँ हैं और दोनों बेटियाँ अमेरिका में, दोनों की शादी हो गई है, एक ही घर में है, दो भाई हैं और दोनों एप्पल में काम करते हैं और दोनों बहनें स्कूल में पढ़ाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। जो बच्चे जहाँ उनके पढ़ते हैं उसी स्कूल में वो दोनों टीचर हैं। बहुत सारी और बातें करनी है आपसे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा मत, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मनहर उदास से। तो मनहर जी, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, तो शादी तो हो गई आपकी आपकी बीवी से, लेकिन आपने मुझे कहा था कि आपका रोमांस एक्चुअली शादी के बाद शुरू हुआ। रियल रोमांस। मगर शादी से पहले हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे जी। लेकिन ये बताइए कि मतलब ज़्यादातर सुनते हैं कि शादी से पहले रोमांस होता है, आपका कुछ अलग ही किस्सा रहा, तो ये कैसे? बस शी हैज़ बीन ए वंडरफुल वाइफ। और आर्टिस्ट के साथ रहना तो कितना मुश्किल है आपको मालूम है, बट शी हैज़ बीन ए वंडरफुल वाइफ। दो बेटियाँ ने सुंदर उन्होंने दी मुझे, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा ये बताइए कि दो बेटियाँ हैं लेकिन दोनों म्यूजिक में नहीं आई? नहीं, उनको गाने का शौक है। हाँ, बट मेरी जिंदगी में मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी अपने बच्चों पे ये इंसिस्ट नहीं करूँगा कि आपको यही करना है। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग ओपन टू देम कि आपको क्या करना है। दे डिड ग्रेजुएशन यहाँ पे मुंबई में, एंड दे वर वेरी हैप्पी वट एवर दे डिड। गाने का शौक था, म्यूजिक का आज भी उनको बहुत शौक है। मगर मैंने ओपन उनको कहा था कि आपको जो करना है, जो आपकी मर्जी है। शादी भी उनकी मर्जी से हमने की है, मतलब अरेंज मैरिज है, बट हमने उनको उनकी इजाजत। आप अपनी सक्सेस का और अपने म्यूजिक में होने का श्रेय पूरे अपने पेरेंट्स को देते हैं, माँ बाप को देते हैं, कैसे? आशीर्वाद। किरण जी, मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जब मैं मुंबई आया तब सबसे पहले मैंने अपने फैमिली को यहाँ बुला लिया। मेरे पिता, माता, मेरे दोनों भाई, सब लोग यहाँ आ गए। तो इसलिए मैं ऑलवेज फील करता हूँ कि उनके आशीर्वाद, उनका साया मेरे साथ है हमेशा। टिल द एंड दे वर इन माई हाउस। और कभी रोका नहीं है आपको? आपने इंजीनियरिंग की। आपको कमाल होगा ये सोच सुन के कि मेरे पिता और मेरी माता को मुझे, मैं फिल्मों में इतना सक्सेसफुल हुआ, मेरे गाने पॉपुलर हुए, उनको ये मालूम नहीं था कि मुझे गाने के कितने पैसे मिलते हैं या मैं घर में कितने पैसे लाता हूँ, कभी भी उन्होंने नहीं पूछा। अच्छा ये बात है कि आप साईं भजन भी गाते हैं। यस। तो गजल, गुजराती गाने, हिंदी फिल्मों के गाने और फिर साईं भजन, तो बहुत ही वर्सेटाइल है आपका। ये आई थिंक दिस इज, मैं बेसिकली मैं बहुत ही रिलीजियस आदमी हूँ जी। आई बिलीव इन द डेस्टिनी, आई बिलीव इन गॉड। जो भी होता है वो उसी की मर्जी से होता है, दैट्स व्हाट आई फील। ये मेरा साईं बाबा के आप भक्त हैं? बहुत थे, बहुत जबरदस्त, मुझे कई अनुभव भी हुए, बट वो बात अलग है। पंडित के राजदान साहब हमारे, कोई अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए ना। मैं करूँगा। पंडित के राजदान साहब थे जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े PRO थे जी। वो एक बार मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ साईं भजन रिकॉर्ड करने हैं, और वो जाबाज वगैरह का समय था मेरा जी। तो उस वक्त मेरी उम्र भी ऐसी थी कि मुझे भजन में इंटरेस्ट ही नहीं था, बट ही लेफ्ट द कैसेट कि आप सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो वी विल रिकॉर्ड। हमने रिकॉर्ड किया फॉर्चुनेटली, एंड इट बिकेम अ सुपर हिट एल्बम। तो उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। आज मेरे ख्याल से 27-28 एल्बम साईं भजन के रिकॉर्ड हुए हैं, कम से कम 160 के ऊपर। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट भी होता है कि जब आप ये गाने गाते हैं तो लोग आपके पांव छू लेते हैं? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने भी रोल किया था। हाँ, महाभारत के बाद मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कहीं मैं जाती थी और मुझे इतनी शर्म आती थी, मैं उम्र में इतनी छोटी थी और लोग मेरे पांव छू लेते थे। बिल्कुल वही। तो आपको मतलब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? मेरे साथ भी वही हुआ कि जहाँ भी जाऊँ मैं, और लोग वो भजन भी ऐसे हैं, लोग रोने लगते थे और मुझे आंखें पांव में गिर जाते थे, हमको आशीर्वाद दीजिए। मैं उनको
बोलता था कि प्लीज़ ये मत कीजिए, मैं खुद आशीर्वाद चाहता हूँ, आपको मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। भजन एक पंडित राजन साहब ने बहुत सुंदर ये भजन लिखे हैं जी, उसमें से एक दो लाइनें आपको सुना देता हूँ जी। हम लोग जो बोलते हैं ना हर बार कि भाई इसके पीछे कोई कारण होगा जो हुआ है कुछ, उस बहुत सुंदर उन्होंने लिखा था। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा बताइए जब आपने ये भजन गाए, कहीं कोई ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ हो जो कि आपके साथ आज तक है, मतलब। एक बहुत ही अजीब बात हुई थी कि मेरी बड़ी बेटी है, उसका हम एंगेजमेंट करने मैं जी उसको लेके सैन फ्रांसिस्को गया था। कुछ ऐसा सिचुएशन बनी कि उन्होंने कहा कि आप बेटी को लेके यहाँ आ जाइए, हम यहाँ एंगेजमेंट सेरेमनी करेंगे। सबके लिए जाना मुश्किल था क्योंकि छोटी बच्ची का स्कूल चल रहा था, तो मैं उसको लेके गया सैन फ्रांसिस्को। मेरी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा मौका था कि बहुत ही जिम्मेदारी की बात थी जी, बेटी को कहीं किसी को सौंपना। उनके घर पे उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सारा इंतज़ाम किया, मगर पूरी रात मैं सो नहीं सका एंगेजमेंट के पहले, ये सोच के कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या होगा कैसे होगा, बेटी इतनी दूर आ जाएगी, शादी होगी। मैं साईं बाबा को सारी रात प्रार्थना करता रहा कि बाबा मुझे प्रमाण दीजिएगा कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ, आप कैसे भी करके, जैसे जिस तरह से। आपको ताजुब होगा कि दूसरे दिन बहुत सुंदर एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोन किया पत्नी को और छोटी बेटी को, सारा न्यूज़ दे दिया कैसे होगा, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी है, वॉचमैन्स हैं, कोई ऐसे आ नहीं सकता है। और बोले जब ये शायद वहाँ जिस वक्त चल रहा था उस वक्त यहाँ पे एक कोई संत आए अपने घर पे, उन्होंने बेल बजाया और हमने खोला तो उन्होंने कहा कि भाई हमको एक आम दीजिए और कुछ नहीं मांगा। और पहले तो सबसे हमको उन्होंने कहा कि वी वर शॉक्ड कि ये ऊपर कैसे आ गए हमको बिना बोले बिना बताए। जब हमने घर में देखा तो हम सारी जगह देख रहे थे कि हमने कल पूरे हमारे आम जो है ख़त्म हो गए हैं, तो आम कैसे उनको दें। तो बोले हमने जब फ्रिज खोला तो एक ही आम पड़ा हुआ था और हमने उनको दिया, तो उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उन्होंने ये कहा कि जो भी बाहर हैं आपके कोई भी हैं उनको बोलिए चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास की बात, ये विश्वास की बात, मैं कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मगर मुझे प्रमाण मिल गया। लेकिन बच्चों को इतनी दूर भेज देना, आपकी दो ही बेटियां हैं और दोनों को आपने बाहर भेज दिया, ये बहुत तकलीफ है बिल्कुल, मगर ये अपने बस में नहीं है। हाँ। आप सोचिए ना कि दूसरी एक बेटी को तो हमने भेजा, दूसरी हाँ। बेटी का कैसे हुआ। हाँ। ये उसी वक्त उन्होंने सोचा कि बेटा छोटा है और ये बेटी भी है यहाँ पे हाजिर, उनकी उम्र का भी बराबर मेल हो रहा था, तो उन्होंने प्रपोज किया कि भाई इनकी दोनों बहनें इकट्ठी रहेंगी। हाँ। तो ये दिस इज ऑल मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेटे की कभी महसूस नहीं होती, कभी कभी भी नहीं। बेटियां बेटे जैसी हैं, दे हैव बीन सो काइंड एंड सो इमोशनल, सो हर दिन उनका यहाँ पे फोन आता है। हाँ। रोज बात होती है। हाँ। और कैसे क्या है वो सब रोज अपडेट मिलता है जी। अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक अच्छी बात आपने पूछी है, मैं आपको पहले बता दूं, ये प्रोग्राम का जो नाम है जी,
कोशिश मैंने की नहीं थी जी, ये सोचने वाली बात जी, ये बहुत एप्रोप्रिएट नाम है, मुझे कोशिश करनी नहीं पड़ी थी, अपने आप हुआ। कामयाबी मिली, मैंने कोई कामयाबी सोची नहीं थी, अपने आप मिली। आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर इन गॉड कि वो चलाता है, अगर आपका कर्म आपकी नियत अच्छी है तो चलाने वाला वो है, हम सिर्फ चलते हैं, चलाने वाला वो है। और जो भी रास्ता है वो हमको ले जाता है हमारे कर्म और हमारी नियत जो है उसके साथ। तो मेरी शुरुआत, मेरा जो भी करियर बना, जो भी कामयाबी मिली, आगे क्या होना है वो भी सब उसके हाथ में है। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा जिंदगी में। इस बहुत अच्छे नोट पर और बहुत पॉजिटिव नोट पर हम ये प्रोग्राम समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपके सामने एक डायरी पड़ी है, उसमें आप ऑटोग्राफ दीजिए अपना और हमारे दर्शकों के लिए कुछ लिखिए जो उन्हें इंस्पायर करें। ज़रूर ज़रूर। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी।